जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम का वन गमन हुआ और उसके साथ ही साथ ननिहाल में बैठे भरत जी का मन व्याकुल हो गया। हृदयों के आत्मीय संबंध का यह कमाल का उदाहरण है जिसे हम आज की भाषा में टेलीपैथी कहते हैं, पर यह तभी संभव है जब आपस का प्रेम संबंध सच्चा हो। इसका अनुभव आज भी हम भी जो हमारे सच्चे रिश्ते होते हैं, हम आज भी इसका अनुभव उन रिश्तों में कर पाते हैं। प्रयागराज से चित्रकूट की ओर चलते चलते जब एक गांव के समीप जाकर ये तीनों राम, सीता और लक्ष्मण कुछ देर विश्राम के लिए रुकते हैं, तो लक्ष्मण वहां से कुछ दूरी पर जाकर अंजलि में पानी भरकर लाते हैं और श्री राम के चरण धोते हैं। फिर अपने पटुके पर, जो कंधे पर पटुका लगा है, उससे उनके चरण पोछते हैं। श्री राम जी के प्रति, सीता जी के प्रति लक्ष्मण का सेवा भाव और प्रेम भाव देखिए। बिहड़ की दुग्धाई यात्रा से वो भी तो थके हुए थे दोनों की तरह, लेकिन नहीं, श्री राम के चरण धोना, उनके चरण दबाना भाई के प्रति भाई के प्रेम का इस सर्वोत्तम उदाहरण है। भाभी के प्रति देवर का सेवा भाव इस सर्वोत्तम उदाहरण है। गांव की स्त्रियां इकट्ठा हो गई और गांव की स्त्रियों ने सीता जी से जब उनका परिचय पूछा, तो बार बार पूछने पर बहुत ही संकोच के साथ सीता जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय दिया। यदि आज का समय होता तो क्या होता? आज के समय में लोग सबसे पहले अपना परिचय देते हैं इसलिए कि उनका रुतबा कायम हो जाए, उनका बड़प्पन सब लोग जान जाए। परिचय हो गया तो गांव के लोगों ने महाराजा दशरथ और कैकेयी के बारे में वो कहने लगे कि उनको दोष देने लगे कि ऐसे सुकुमार बच्चों को वन में कैसे भेज दिया। श्री राम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में ये कह दिया कि हम अपनी इच्छा से वन में स्वयं आए हैं। श्री राम के मन में स्वयं माता पिता के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, लेकिन वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी के भी मन में उनके माता पिता के लिए दुर्भाव हो। वो माता पिता जिन्होंने उन्हें, जिनके कारण उन्हें वन में आना पड़ा। इसे कहते हैं पिता और माता के प्रति आदर, प्रेम या स्वयं किसी का इतना विनम्र होना, स्वयं इतना महान होना, किसी में इतने संस्कार होना, ये श्रीराम में ही हो सकता है। वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि राम जी को उनके अलौकिक कार्य बता बताकर उन्हें भगवान साबित करने में लगे हैं, और वहीं श्री राम अपने आप को सामान्य मानव समझकर उन्हें प्रणाम करते रहते हैं। इसे क्या कहेंगे आप? यही है राम का निराभिमानी स्वभाव और विनम्र स्वभाव। बड़े से बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन फिर भी उसका उन्हें अभिमान नहीं है, उसका कोई क्रेडिट वो नहीं लेना चाहते। क्योंकि आज हम छोटा सा भी काम कर देना तो हमारी कोशिश होती है कि हमें उसका, छोटे से काम का भी बहुत बड़े से बड़ा क्रेडिट हमें मिल जाए। हम उसी दौड़ में सदैव लगे रहते हैं। चित्रकूट में पर्णकुटी में प्रवेश करने से पहले श्री राम यज्ञ और हवन करते हैं, उसके बाद पर्णकुटी में प्रवेश करते हैं। ये हमारी परंपरा है जो वातावरण को शुद्ध करने की क्रिया कहलाती है। हम जहां भी रहें उसको, उस स्थान को साफ सुथरा रखने के लिए, उसे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, इन सबसे मुक्त रखने के लिए यज्ञ और हवन बहुत आवश्यक है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन हमने इसे धर्म और समुदाय के साथ जोड़ दिया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि हम अपने स्वास्थ्य और सुख से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और बात देखिए, पर्णकुटी में प्रवेश करने से पहले राम जी ने, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने वहां उपस्थित सभी संत समुदाय और वो जीव जो दिखाई दे रहे हैं और वो जीव जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, सभी को प्रणाम किया। ये है उदार चरित्र राम जी का, जो ये कहता है कि सभी जीवों का उचित सम्मान, उचित आदर हमें करना चाहिए। पर्णकुटी में पूजा के स्थान पर श्री राम अपनी मातृभूमि की मिट्टी रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं,
और फिर ये प्रार्थना करते हैं कि माँ, मैं चाहे जहां भी रहूं मेरे हृदय में तेरा वास रहे और मेरा ये शीश सदा तेरे चरणों में झुका रहे। मातृभूमि से दूर रहकर भी मातृभूमि के लिए यह प्रेम ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। स्वदेश प्रेम सब मानवों के मन में होना चाहिए, हम सब देशवासियों के मन में होना चाहिए, और आज तो हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। आज क्या, बहुत सालों से बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं, हम अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई शुरू करने से पहले हम सब ये सोचते हैं कि हमें कौन से देश में जाकर फाइनली काम करना है या नौकरी करनी है, और फिर उस देश में जाने के बाद, विदेशों में जाने के बाद, हम यहाँ अपने देश में वापस आने का ख्याल भी नहीं करते, हमारे मन में ये बात आती ही नहीं है। स्वदेश प्रेम की ये भावना हम सब के लिए, एक अच्छा मानव हमें होने के लिए स्वदेश प्रेम की भावना का होना मन में बहुत आवश्यक है। सुमंत्र जी के अकेले वापस लौटने पर राजा दशरथ ने श्री राम के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें याद आ गया था वो अपराध जो गलती से उनसे हुआ था युवावस्था में, जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें शापित कर दिया था। उनके द्वारा किया गया एक अपराध उनकी मृत्यु का कारण बन गया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कर्म करें, वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, उसका जो भी फल होगा वो हमें भोगना ही होगा, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और किसी भी उपाय से इस कर्मों के फल से हम बच नहीं सकते, चाहे हम कोई निर्धन व्यक्ति हो या कोई चक्रवर्ती राजा। जय श्री राम।